दोस्तों आज मैं ऐसी पांच कॉलिंग स्मार्ट वॉच के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि 2000 के अंदर में बेस्ट हैं और इनमें सब किसी भी वॉच को परचेस कर सकते हैं, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बाकी ध्यान रहे कि इन सभी वॉचेस को आप लोग 2000 के अंदर में ही लेना, क्योंकि इनके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं और 3000 तक पहुँच जाते हैं। तो जब इनके प्राइस कम हो जाए तब आप लोग इनको परचेस करना। तो अगर आपका बजट 2000 के अंदर है और आप लोगों को एक अच्छी कॉलिंग वॉच लेना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे कंटेंट आप लोगों को आगे भी मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाले स्मार्ट वॉच के बारे में, उसके बाद 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर पे है बेस्ट स्मार्ट वॉच। तो 5 नंबर पे आती है फायरबोल्ट फिनिक्स प्रो, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। और इसकी डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और इस तरह का आपको राउंड डायल मिल जाता है और काफ़ी स्लीक वॉच है। बाकी इसमें आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है इस वॉच की। और यहाँ पर 22mm का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको स्ट्रैप भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर IP67 की रेटिंग मिलती है, तो लगभग 1 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है इस वॉच की। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 1.39 इंचेस की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि शार्प है और कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी डिस्प्ले ब्राइट है तो आउटडोर वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है इस वॉच में। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड, उसके बाद हार्ट रेट, SPO2, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर दिया गया है। और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट, उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म और इसमें आपको 2 गेम भी मिल जाते हैं जिसको खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं। उसके साथ इसमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ये कॉलिंग वॉच है और इसका स्पीकर काफ़ी लाउड है, तो आराम से आप इससे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, बट हिंदी का सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं मिलता है। और UI की बात करें तो इसका UI भी काफ़ी स्मूथ है और लैग नहीं करता है। बाकी लास्ट बात है इसकी बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है और आपको आराम से 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी तगड़ी वॉच है प्राइस के अकॉर्डिंग, और अगर आप लोगों को लेना है इस तरह की वॉच तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी वॉच के बारे में फुल डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है और वहाँ से जाकर रिव्यू देख सकते हैं इसका। नंबर 4 पे आती है फिटशॉट कनेक्ट, और ये काफ़ी ज़बरदस्त वॉच है। इसमें आपको इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्लीक है और काफ़ी खूबसूरत वॉच है। और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, तो ये सभी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है। बाकी इसमें भी आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको स्ट्रैप भी मिल जाता है, जो कि रिप्लेसेबल है। उसके अलावा इसमें IP68 की रेटिंग मिलती है, तो लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करिए डिस्प्ले की, तो यहाँ पर इस वॉच के डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पर 1.85 इंचेस की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और 60Hz का पैनल मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। बाकी इसमें आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और बेजल की बात करें तो यहाँ पर बेजल भी आपको काफ़ी कम मिलते हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है। बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी इस वॉच ने कमाल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड, उसके बाद हार्ट रेट, SPO2, ब्लड प्रेशर, स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और यहाँ पर ब्रीथ रेट का फीचर भी दिया गया है। और एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की, क्योंकि यहाँ पर अलग से रेड लाइट सेंसर भी दिया गया है। उसके बाद बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वेदर फोरकास्ट, उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म और इसमें भी आपको 2 गेम मिल जाते हैं जिसको खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं। बाकी वॉइस असिस्टेंट, स्टॉपवॉच, टाइमर, फाइंड डिवाइस, फ्लैशलाइट, कैलकुलेटर और यहाँ पर पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक करने का फीचर भी दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और ये भी कॉलिंग वॉच है और इसका स्पीकर भी काफ़ी लाउड है, तो आराम से इससे बात कर सकते हैं। और इसमें आपको 100 कॉन्टैक्ट सिंगल एक ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। बाकी इसमें सिंगल चिप का सपोर्ट मिलता है, तो आपको बस एक ही जगह पर पेयर करना है और कॉलिंग फीचर एक्टिवेट हो जाता है। और इस वॉच की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी UI की बात करें तो यहाँ पर UI भी काफ़ी स्मूथ मिलता है और लैग नहीं करता है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, और वही आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें। तो वॉच काफ़ी ज़बरदस्त है, और अगर आप लोगों को इस तरह की फीचर रिच वॉच लेना है तो इसके लिए भी जा सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों की नज़र इस वॉच पे जा रही है कि ये कौन सी वॉच है, तो भाई ये है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4, जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त वॉच है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये आप लोगों को आराम से 10,000 में मिल जाएगी फ्लिपकार्ट की सेल में, या फिर उससे भी कम में मिल सकती है। और अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। भाई ये ऐसी वॉच है जहाँ पर आपको अनलिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, तो ज़रूर से चेकआउट करना वीडियो को। नंबर 3 पे आती है नॉइस की कलर फिट लूप स्मार्ट वॉच, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वॉच है और इस वॉच की एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी है और ये मेरी पर्सनली फेवरेट रह चुकी है। यहाँ पर आपको इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है और इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और साइज़ भी कंफर्टेबल है, तो ये सभी रिस्ट पे अच्छी लगने वाली है। हालांकि यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल मिल जाती है, बट दिखने में वॉच काफ़ी अच्छी लगती है।
और स्ट्रैप की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको स्ट्रैप मिल जाता है जो कि सॉफ्ट है और रिप्लेसेबल स्ट्रैप है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रैप दिया गया है जो कि आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगा। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है इस वॉच की और इसमें भी आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो लगभग 1.5 घंटे घर पाने तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 1.85 इंच की निफ्टी डिस्प्ले मिल जाती है जो कि अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले और डिस्प्ले शार्प है, क्रिस्प है और कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बाकी इसमें भी आपको दो तरह की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है, एक है लिस्ट व्यू, दूसरी है ग्रेड व्यू और इसमें भी आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलता है और आप लोगों को पता है कि जो नॉइस का वॉच फेस कलेक्शन है वो काफी जबरदस्त होता है। बाकी इस वॉच का रिस्ट वेक फंक्शन भी काफी रिस्पॉन्सिव है, तो जैसे ही पैंट को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, उसके बाद हार्ट रेट, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर दिया गया है और एक्यूरेसी बिल्कुल टॉप नॉच है इस वॉच की, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से रेड लाइट सेंसर भी दिया गया है और सेंसर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो यहाँ पर इस वॉच की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आती है और इसकी स्लीप ट्रैकिंग भी काफ़ी एक्यूरेट आती है। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अलार्म, उसके बाद स्टॉप वॉच, वर्ल्ड क्लॉक, टाइमर, रिमाइंडर, वेदर फोरकास्ट, उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल और स्टॉक्स का फीचर भी दिया गया है जो कि बहुत ही यूनिक फीचर है और बस महंगी वॉचेस में मिलता है। उसके बाद फ्लैश लाइट और यहाँ पर कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, और ये भी कॉलिंग वॉच है तो यहाँ पर आप कॉल से बात कर पाएंगे और इसमें आपको क्विक रिप्लाई का फीचर भी मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। उसके साथ ही यहाँ पर भी आपको सिंगल चिप का सपोर्ट मिलता है, तो आपको बस एक ही जगह पर पेयर करना है और कॉलिंग फीचर एक्टिवेट हो जाता है और इस वॉच की कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी शानदार है और आपको आराम से 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को एक ऐसी वॉच लेना है जिसमें फीचर्स के साथ साथ अच्छी एक्यूरेसी मिले तो इस वॉच के लिए जा सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपना फैसला ले सकते हैं। अब नंबर 2 पे आती है अल्ट ओजी प्रो, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वॉच है और जब ये लॉन्च हुई थी तो मार्केट को पूरी तरह से हिला दिया था इसने, क्योंकि यहाँ पर आपको 2000 के अंदर में एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी डिज़ाइन मिल जाती है। हालांकि ये नंबर 1 डिजर्व करती थी बट यहाँ पर कुछ कमी थी, इसलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। तो डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मेटल बिल्ड मिल जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है इस वॉच की। और स्ट्रैप की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको स्ट्रैप मिल जाता है जो कि रिप्लेसेबल स्ट्रैप है, तो आप चेंज भी कर पाएंगे और इस तरह के जो स्ट्रैप है वो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बाकी इस वॉच में आपको 2 बटन दी गई है, एक रोटेटिंग क्राउन है और एक आपको डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मोड के लिए बटन दी गई है जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है इस वॉच की और यहाँ पर IP67 की रेटिंग मिलती है, तो लगभग 1 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर पाएंगे। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है और 2000 के अंदर में आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पर 1.93 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है जो कि शार्प है, कलर्स काफ़ी पंचे आते हैं और ब्राइटनेस भी आपको काफ़ी तगड़ी मिल जाती है इसके डिस्प्ले में। और इसमें जो बेजल मिलते हैं वो आपको सिमेट्रिकल मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको फुल डिस्प्ले का मज़ा मिलने वाला है और इसके डिस्प्ले 2000 के अंदर में भाई बेस्ट है। उसके साथ ही यहाँ पर भी आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आप अपना कस्टम वॉच फेस लगा सकते हैं और इसमें आपको 8 प्रकार की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड जो कि काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद हार्ट रेट, SPO2, ब्लड प्रेशर, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर दिया गया है। एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर इस वॉच की एक्यूरेसी अच्छी है बट जो इसकी स्लीप ट्रैकिंग है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट, उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, उसके बाद वॉइस असिस्टेंट और यहाँ पर आपको 4 गेम भी मिल जाते हैं जिसको खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है और फाइंड डिवाइस का फीचर भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। और कॉलिंग फीचर की बात करें तो यहाँ पर स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, तो आराम से आप इससे बात कर सकते हैं और इसमें भी आपको सिंगल चिप का सपोर्ट मिलता है, तो आपको बस एक ही जगह पर पेयर करना है, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है और आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और इस वॉच का UI भी काफ़ी स्मूथ है और ज़रा भी लैग नहीं करता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉच है। और अगर आप लोगों को कम बजट में एप्पल वॉच अल्ट्रा लेना है तो इस वॉच के लिए जा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अभी मैंने चेक किया तो ये फ्लिपकार्ट पर लगभग 12,000 में शो हो रही है। अब भाई फ्लिपकार्ट कौन से नशे में जो इसको इतने प्राइस में शो कर रहा है, जबकि इसका एक्चुअल प्राइस 2000 था और बाद में इसका प्राइस लगभग 2500 या फिर 3000 हो गया था। तो आप लोग वेट करना, सेल में आप लोगों को 2000 में मिलेगी, पक्का मिलेगी, तो वेट करना और 2000 में इसको परचेस कर लेना, काफ़ी शानदार वॉच है। अब आते हैं नंबर 1 स्मार्ट वॉच की तरफ जो कि हर मामले में बेस्ट है, चाहे डिज़ाइन की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, फीचर्स की बात करें, सभी मामलों में ये बेस्ट है। और हो सकता है कुछ लोगों को ये वॉच अच्छी ना लगे बट मैंने इसको यूज़ किया है और भाई 2000 के अंदर में इससे बेहतर वॉच नहीं हो सकती है। और इस वॉच का नाम है नॉइस फिट क्रू, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और अभी भी इसका प्राइस 2000 के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है जो कि काफ़ी स्लीक है, काफ़ी खूबसूरत वॉच है और लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। बाकी इसमें आपको 2 बटन दी गई है, एक तो मेन्यू में जाने के लिए और दूसरी आपको स्पोर्ट्स मोड के लिए बटन दी गई है।
और इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, बट यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको मेटालिक फिनिश दी गई है, तो दिखने में वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। और स्टेप की बात करें तो यहाँ पर इसका स्टेप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसमें आपको टेक्सचर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी यूनिक लगता है। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है इस वॉच की और इसमें IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 1.38 इंचेस की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको TFT डिस्प्ले मिल जाती है जो कि शार्प है, कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। और ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है। और बेजल की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम बेजल मिलते हैं और आपको एक तरह से फुल डिस्प्ले मिल जाती है इसमें। बाकी यहाँ पर भी आपको मल्टीपल वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है और काफ़ी अच्छा वॉच फेस कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दो तरह की मेन्यू स्टाइल मिल जाती है और इसका जो रेस्ट वेक है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और एक्यूरेट है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड, उसके बाद हार्ट रेट, SPO2, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं और एक्यूरेसी बिल्कुल टॉप नॉच है क्योंकि इस वॉच में आपको रेड लाइट सेंसर भी दिया गया है अलग से और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी तगड़ी आती है और इसकी स्लीप ट्रैकिंग भी काफ़ी एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी से यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बाकी अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अलार्म, उसके बाद टाइमर, स्टॉपवॉच, वर्ल्ड क्लॉक, म्यूजिक कंट्रोल, उसके बाद वेदर फोरकास्ट, कैलकुलेटर, स्टॉक्स, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और सभी अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी इसमें भी आपको कॉलिंग फीचर मिल जाता है, तो यहाँ पर आप कॉल से बात कर सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और इसमें आपको सिंगल चिप का सपोर्ट मिलता है, तो आपको बस एक ही जगह पर पेयर करना है, तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है इस वॉच की। बाकी यहाँ पर आपको क्विक रिप्लाई का फीचर भी मिल जाता है, तो अगर कोई फ़ोन करता है तो वहाँ पर आप क्विक रिप्लाई दे सकते हैं, ये फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। इसका UI भी काफ़ी अच्छा है और लैग नहीं करता है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट आपको अच्छा UI मिल जाता है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको वही 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा जो कि अच्छा है। तो वॉच काफ़ी ज़बरदस्त है और अगर आप लोगों का बजट 2000 के अंदर है और आप लोगों को इस तरह के राउंड डायल में एक अच्छी वॉच लेना है तो भाई इसके लिए ज़रूर से जाना, काफ़ी तगड़ी वॉच है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी सभी वॉचेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी सभी की, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को तसल्ली हो, उसके बाद कोई भी वॉच परचेस करना ताकि आप लोगों को लेने के बाद पछतावा ना हो। और बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी आप लोगों को इनमें से कौन सी वॉच सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।